हेलो एवरीवन, मैं राजेश बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में क्या क्या कॉमन पॉइंट है, क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर स्पेशल क्लासेस की बात करें तो ये क्या है। ये आपको जिस स्पेशल क्लासेस तो मिलती है आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। ये आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी लर्नर ऐप, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आपको ये मिलती है स्पेशल क्लासेस। और यूट्यूब की क्लासेस के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमन पॉइंट्स क्या है यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में, जो कि अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले कॉमन पॉइंट की बात करें तो जैसे यूट्यूब के ऊपर मामला, यूट्यूब के ऊपर जैसे क्लासेस, YouTube क्लासेस तो आप सभी देखते ही हो, कोई भी देख सकता है, बिल्कुल फ्री में देखता है, एकदम सही बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं होते YouTube की क्लासेस को, आप सभी को पता है। स्पेशल क्लासेस में क्या है, स्पेशल क्लासेस भी बिल्कुल YouTube की तरह क्या है जी, बिल्कुल एकदम से फ्री है, कोई चार्जेस नहीं होता स्पेशल क्लासेस को। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो सेम वैसे स्पेशल क्लासेस को भी आप क्या देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आपको कोड डालना होता है BCAM10। मीन्स आप मेरी क्लासेस देखना चाह रहे हो तो आपको ये कोड डालना होगा, इसको बोलते हैं जी अनलॉक कोड। क्या बोलते हैं, अनलॉक कोड दोस्तों। जैसे ही आप ये अनलॉक कोड डालोगे, जितना स्पेशल क्लासेज है वो सारा का सारा क्या हो जाता है जी, अनलॉक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कितना टॉपिक्स, कितना क्वेश्चंस हम कवर कर चुका हूं, मैं कवर कर चुका हूं अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। जो क्लासेज आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो उनके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे कॉमन पॉइंट जो है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेज और यूट्यूब के ऊपर वो क्या है, यूट्यूब पे भी आप बिल्कुल फ्री में देखते हो और अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर जो स्पेशल क्लासेज है उनको भी आप बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो BCAM10 कोड डाल के। इस कोड को बोलते हैं जी अनलॉक कोड, और क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज करना होता है और उसके बाद आप सारी क्लासेज को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। सर डिफरेंस की बात कीजिए ना, कॉमन पॉइंट तो हमको पता चला, तो डिफरेंस पे आते हैं दोस्तों। पहला डिफरेंस, आप YouTube पे लगातार लेक्चर देखते हो, आप कमेंट करते हो YouTube के ऊपर, और आपके कमेंट क्या आते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट आपका आता है कि सर कमेंट लेट पहुंचता है आप तक, यही तो होता है ना। और इसके लिए मैंने तुमको रीजन भी बताया था क्या होता है YouTube के ऊपर। जैसे मैंने आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि आप मान लीजिए क्रिकेट का मैच देख रहे हो, आपने वही मैच रेडियो के अंदर चला रखा है, वही आपने टीवी के अंदर चला रखा है, तो रेडियो के अंदर आपको लगता क्या होता ही है, एक बॉल कंप्लीट हो चुका होता है तब एक बॉल पीछे चलता है टीवी के अंदर, एक बॉल टीवी के अंदर क्या चलता है सर, पीछे चलता है, और रेडियो के अंदर वो मामला कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब अगर किसी आवर की 6 बॉलें रेडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी है तो टीवी के अंदर 5 ही बॉलें कंप्लीट होती है तब तक। मतलब रेडियो और लाइव वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है, मान लीजिए तुम्हारा कॉमेंट करना और मेरे तक पहुंचना, जो 30 से 40 सेकंड का गैप होता है वो यूट्यूब पे होता है। मतलब आपका कॉमेंट लेट पहुंचता है मेरे पास, मैं मान लीजिए 40 सेकंड आगे चल रहा हूं, आप 40 सेकंड आपके पास बाद में पहुंच रहा है, आ रही बात समझे। जैसे टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर क्रिकेट मैच का मामला, सेम वही यूट्यूब का मामला। सर स्पेशल क्लासेस पे क्या होता है, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, चाहे वो आप प्लस के ऊपर देख रहे हो, चाहे आप वो स्पेशल क्लासेस देख रहे हो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हो, चाहे आप स्पेशल क्लासेस देख रहे हो जो कि क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल इंस्टेंट, एकदम से जैसे आपने कॉमेंट किया नैनो सेकंड के अंदर, जैसे ही आप क्लिक करोगे एजुकेटर के सामने आ जाएगा वो कमेंट एकदम से। मतलब यहां नो डिफरेंस, टाइम लैकिंग नहीं है, या टाइम के बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब टाइम के मामले में स्पेशल क्लासेज यूट्यूब से बेटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए साहब, दूसरा पॉइंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है सर, यहां कौन सा मामला अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट। ये क्या है सर पीडीएफ फॉर्मेट, क्या है पीडीएफ फॉर्मेट का मतलब है दोस्तों, जैसे क्लास एंड हुआ उसके बाद आप 30 मिनट्स के अंदर और 30 मिनट्स से पहले भी आप उस पीडीएफ को, जैसे वो पीडीएफ जनरेट होती है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जी। पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एकदम से। जैसे ही पीडीएफ, जैसे क्लास खत्म हुई उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां देखिए क्या है, यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यूट्यूब पे, आप सभी को बताइए, आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट का सारा लेना पड़ता है साहब, स्क्रीनशॉट का सारा। आ रही बात समझिए, यहाँ जो स्क्रीनशॉट लेते हो ना वो आप यहाँ भी ले सकते हो साहब, स्पेशल क्लासेस में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को पीडीएफ की जरूरत नहीं है, मुझको सिर्फ एक यही क्वेश्चन देखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मतलब यहाँ तो दोनों है,
ये पीडीएफ भी है और आपके साथ क्या है स्क्रीनशॉट वाला भी मामला है। उसके बाद क्या है सर और बताओ कुछ और सबसे बेस्ट पोल। पोल ये क्या है? पोल का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपका पोल लगा दिया, मैंने क्वेश्चन लगा दिया बोर्ड के ऊपर, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया और मैं बोलता हूँ भाई साहब आंसर कीजिए क्वेश्चन का, आप यूट्यूब पे पहले क्वेश्चन को देखते हो फिर आप कॉमेंट करते हो, मैंने बोला उसके बाद आपने सोल्व किया फिर आपने कॉमेंट किया, 40 सेकंड का पहले गैप चल रहा था और वो गैप बढ़ के कितना हो जाता है साहब आपके सोल्व करने से, मुझ तक कॉमेंट आता है इतने में मैं उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपने मतलब मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आंसर दिया है या पहले ही आंसर दे दिया था, मतलब आपको वो क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, ये वाला हमें यूट्यूब पे नहीं पता चलता। मतलब क्या जजमेंट नहीं हो पाता स्टूडेंट्स का कि कौन स्टूडेंट बढ़िया कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे ये डिफरेंस है, हम मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन मतलब किस, तुम खुद भी नहीं कर पाते ना भाई हमारा कितना सही हुआ। मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया यूट्यूब पे, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तुमने पहले का आंसर सही दे दिया एकदम से यूट्यूब पे, दूसरे का सही दे दिया, तीसरा गलत दे दिया, फोर्थ फिर सही दे दिया, फिर गलत दे दिया, तुम्हें पता ही नहीं होता, लास्ट में बिल्कुल जब हम 20 क्वेश्चन पे पहुंच गए तो आपको पता नहीं होता कि आपने कितने सही किए आउट ऑफ 20। अदरवाइज आप अगर साइड में लिख रहे हो, बट मेरे को पता है कि ऐसा कोई लिखता है कोई भी नहीं है, आप में से कोई लिखता हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर मैं लिखता हूं कि मेरा पहला क्वेश्चन ठीक है दूसरा ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिखते जी, इतना टाइम कहां होता है आपके पास, आप कमेंट भी बहुत मुश्किल से करते हो। तो पहली बात तो ये है कि यहां हमें ये नहीं पता चल पाता कि सर पोल में और वहां क्या होता है साहब, जैसे ही पोल जनरेट किया वहां टाइम फिक्स कर दिया जाता है एजुकेटर के द्वारा कि ये टाइम आपको मिला जी इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड, कि आप इसका 60 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। बट आपको लगता है कि सर मेरे से ये 60 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मुझको 20 सेकंड और चाहिए, तो पोल एंड होने से पहले मान लीजिए 55 सेकंड हो चुके, आपने कमेंट किया जस्ट 56 सेकंड में मेरे पास कमेंट आया कि सर टाइम बढ़ा दीजिए, मैंने उसी टाइम इस टाइम को बढ़ा के कर दिया 120 सेकंड कर दिया या 90 सेकंड कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप फिर से अपना क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि किसी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है और मेरा इतना सेकंड में क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो पोल एंड होने से पहले चाहे जस्ट आप 2 सेकंड 3 सेकंड भी पहले आप कमेंट करते हो तो वो एकदम एग्जैक्ट मेरे पास आएगा या किसी भी एजुकेटर के पास जाएगा, एकदम से वो टाइम को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल जब हमारा क्लास एंड होता है या हम बीच में भी चेक कर सकते हैं, बीच में हम जब जैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन हो गया और 5 क्वेश्चन के बाद हमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी पोजिशन पर लाई कर रहा है, मान लीजिए सपोज करिए 20 स्टूडेंट आंसर दे रहा है एक साथ, ठीक है, तो उस 20 में से मान लीजिए एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पे है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन में से सब दो ने 5-5 आंसर दिए हैं, 5 में से 5-5 मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 के 5 सारे करेक्ट किए हैं, तो होगा क्या उस केस में वहां टाइम जो है टाइम कितना लिया है किस स्टूडेंट ने, मतलब पहला क्वेश्चन करने के लिए पहले स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट ने आंसर तो दोनों के 5-5 ठीक है, वहां फिर उनकी रैंकिंग कौन डिसाइड करता है, उनकी रैंकिंग डिसाइड करता है टाइम टेकन, मतलब उसने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना टाइम लिया साहब, ठीक है। ये तो था पोल का मामला, ये कितने लोगों को क्लियर हुआ साहब कि पोल वाले में। फिर ओवरऑल हम लास्ट में क्या देखते हैं कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन होने के बाद 20 आउट ऑफ मान लीजिए किसी ने 10-20 में से किए, किसी ने 9 ठीक किए 20 में से, कोई ऐसे थे 2 स्टूडेंट जिसने 18-18 भी सोल्व कर दिए 20 में से, अब जो 18-18 वाले हैं उनको टाइम के बेस पे डिफरेंशिएट कर दिया, ऑटोमेटिक होगा इसमें, ना मुझे कुछ करना ना आपको कुछ करना, ठीक है। ये था बेस्ट, ये दी बेस्ट फीचर है, ये दी बेस्ट बोल सकते हैं द बेस्ट पोल वाला सिस्टम। ये क्या है, क्विज टाइप का है, क्विज टाइप का बहुत जबरदस्त। इसके अलावा क्या है साहब, इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त फीचर है हैंड रेज वाला, जैसे तुम ऑफलाइन क्लास में फीलिंग लेते हो, मतलब आप पीछे बेंच पे बैठे हो टीचर पढ़ा रहा है, आप बोलते हो सर, सर बोलेगा हाँ बेटे क्या था, कि सर मेरे को यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आया, वो फैसिलिटी भी आपको वहां मिलता है अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, कि आप स्पेशल क्लास या प्लस के ऊपर जहां भी आप देख रहे हो वहां आप इसे हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा प्लस का भी एक बहुत जबरदस्त फायदा है, प्लस का क्या फायदा है देखिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या फायदा है, मान लीजिए CSIR कैटेगरी के अंदर, हम CSIR की बात करते हैं, किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, मान लीजिए यहां 100 एजुकेटर पढ़ा रहा है, 100 एजुकेटर पढ़ा रहा है और कम से कम 25 बैच चल रहे हैं एक साथ, 25 बैच एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी बैच नंबर 22 में ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए आपने बैच नंबर 22 में ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आपको वहां उस बैच के अंदर 4 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि सर मेरे को बाकी एजुकेटर का भी देखना है, तो यहां अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपके पास, आपने एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे एजुकेटर उस कैटेगरी के अंदर जितने बैच चल रहे हैं जितनी क्लासेस चल रही है आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन से। द बेस्ट बोल सकता हूं, मेरे को सबसे बेस्ट चीज ये लगती है अनलिमिटेड एक्सेस वाली, मतलब आपको हर हर एजुकेटर का कंटेंट
हर एजुकेटर से नई चीज सीखने को मिलती है अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। ये थी बातें, और अब बात कर लेते हैं जी हम अनअकैडमी पे क्या जो स्पेशल क्लासेज मेरी स्पेशल क्लासेज है उनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहले आपको BCAM10 कोड यूज करना पड़ेगा सब क्लासेज को अनलॉक करने के लिए, कोड ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हेट्रो NMR जो कि 4 मार्क्स का मामला है साहब, हेट्रो NMR 4 मार्क्स का, ये 70% मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक टॉपिक इसका बचता है अभी तक, सिर्फ एक टॉपिक बचता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन की अगर हम बात करें तो क्या मेन ग्रुप, क्या केमिकल बॉन्डिंग, क्या कोऑर्डिनेशन, ये सब मामले सर जितने मामले हैं कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, ऑर्गेनोमेटालिक्स, NMR, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब के मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। जब आप देखोगे तो आपको नए से नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन क्लासेज को आप विजिट करके मेरे से ज़्यादा, मेरे बताने से ज़्यादा आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको कुछ डिफ्रेंशिएट जो हुआ होगा कुछ पता चला होगा कि क्या बेनिफिट है। थैंक यू सो मच।